सोलन में हिमाचल उत्सव की सातवीं सांस्कृतिक संध्या बेहद खास रही। सांस्कृतिक संध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के दौरान पहाड़ी गायक राजीव शर्मा ने पहाड़ी गीतों को गाकर काफी समय बांधा और नाटियों की धुन पर दर्शकों को खूब झुमाया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी इस मौके पर नाचे बिना नहीं रह सके। पंजाबी दूरदर्शन की कलाकार डॉनी राणा ने पंजाबी गानों पर दर्शकों को खूब मनोरंजित किया। वहीं कार्तिक शर्मा ने बॉलीवुड और पंजाबी गानों पर दर्शकों को नाचने पर मजबूर किया। उन्होंने भी हिमाचल उत्सव के मंच पर खूब ठुमके लगाए। इस मौके पर खास अरेबियन डांस की प्रस्तुति भी दिखाई गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में 28% युवा नशे की गिरफ्त में हैं। उन्होंने युवाओं को यातायात नियमों का पालन करना और टू व्हीलर चलाते समय स्पीड पर नियंत्रण और हमेशा हेलमेट पहनने का आह्वान भी किया। हिमाचल सोलन को उन युवाओं की एक देन है जिसके कारण ये रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। एक ऐसी युवा शक्ति जिसने 16 वर्ष पहले एक सपना देखा कि क्यों ना युवाओं को हम ऐसी संस्कृति से जोड़े जहां अपनेपन का एहसास हो। और युवाओं से एक आह्वान करना चाहूंगा कि आज जो युवा नशे की चपेट में आया है उससे दूर रहना है। 28% हिमाचल में युवा जो साथी है, जो सरकारी आंकड़ा है, आज तरह तरह के नशे की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा आजकल हम देखते हैं आज कितने युवा साथी बैठे हैं कि हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते और स्पीड अभी हम आ रहे थे तो हमारी गाड़ी से जो कि चारों तरफ से बंद थी 110 और 120 की स्पीड में अपनी गाड़ी चला रहे हैं। मेरा उस युवा पीढ़ी से भी अनुरोध रहेगा कि अपने और परिवार का ख्याल रखकर इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक समय दें।